સાથે જ આપણી સાથે બીજા પણ મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે. પનાશિયા બાયોટેકના મેનેજમેન્ટ કંપનીના એમડી ડોક્ટર રાજેશ જૈન જોડાઈ ચૂક્યા છે આપણી સાથે વાતચીત કરવા માટે. કંપનીએ જે ફર્સ્ટ બેચ છે કોમ્પોનન્ટ 2 AD5 સ્પુટનિકના માટેનું એને પ્રોડ્યુસ કર્યું છે અને ડિસ્પેચ કર્યું છે એની પર આગળ વાતચીત કરવા માટે. શુક્રિયા સર મેરે સાથ જુડને કે લિયે. સબસે પહેલા એક્ચ્યુઅલી મેં શરૂઆત વહીં સે કરના ચાહ રહી થી ક્યોંકિ યે પૂરા જો ઓર્ડર હૈ વો તકરીબન 100 મિલિયન કે અરાઉન્ડ હૈ જિસકા ફર્સ્ટ બેચ 1 મિલિયન કે અરાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ હો ચુકા હૈ ઓર ડિસ્પેચ હો ચુકા હૈ. કિતની કેપેસિટીઝ ઓલરેડી અંડરવે હૈ એક આઈડિયા અગર આપ મુજે દે પાએ ઉસી સે મેં શરૂઆત કરના ચાહ રહી થી. जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे आज बुलाने के लिए. आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग स्पुतनिक वी का जो सेकेंड कंपोनेंट है AD5 एडीनो वायरस 5 उसका प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं और लास्ट वीक हमने पैचेस डिस्पैच करने भी शुरू कर दिए और इस हफ्ते भी करेंगे और आगे भी चलता चलेगा. सो करंटली हमने 1.2 मिलियन के ऊपर ऑलरेडी बना लिया है और वो प्रोडक्शन अभी कंटिन्यूस चल रही है. सो वी विल कंटिन्यू टू मैन्युफैक्चर और इसको हम सप्लाई करते रहेंगे. टारगेट जैसे आपने बोला कि वो हमारा 100 मिलियन डोजेस तक का टारगेट है, तो अब हम उसी की ओर काम कर रहे हैं कि कितना जल्दी और हम बना के इसको बाजार में ला सकते हैं. ओके अग्रीड सर. अच्छा ये तो हम लोग स्पुटनिक की बात कर रहे थे, स्पुटनिक लाइट को लेकर क्या कुछ अपडेट्स आप मुझे दे पाएंगे क्योंकि रिसेंटली हम लोग वैक्सीन को लेकर जो भी शॉर्टेजेस देख रहे हैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करते, होल पिक्चर की बात करने जा रहे हैं. डिमांड के लिए काफ़ी ज़्यादा जनरेशन हो रहा है जिसकी सामने सप्लाई साइड थोड़ा कम हो रहा है. चूंकि हम लोग इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके बावजूद ये एरिया किस तरीके से ओपन अप हो रहा है और स्पुटनिक लाइट को लेकर कितनी ज़्यादा मोमेंटम कंटिन्यू होती हुई दिख रही है. सो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त विश्व में भी और भारत में भी जितनी ज्यादा वैक्सीन बन सकती है उतनी खपत भी तेजी से बढ़ रही है और हमें बनानी चाहिए. तो हमारी कंपनी भी पूरी तरह से इसमें जुटी हुई है और हम भी स्पुतनिक लाइट की तरफ देख रहे हैं. तो हम लोग इसके बारे में जो और न्यूज है वो इस मंथ के एंड में नहीं तो अगले मंथ में आपको अपडेट देंगे कि हम लोग किस तरह से अपनी उस दिशा में भी तैयारी कर रहे हैं. तो वो हम आपको एक अलग समय के ऊपर इसका अपडेट देंगे, पर हम लोग इसमें काम कर रहे हैं उसमें भी अच्छी प्रोग्रेस नहीं, ये है. मैं ओके और ये डिमांड का सिनेरियो जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं अब तक कितना फ्रुक्टिफाई हो चुका है, आगे ये जो 100 मिलियन के ऑर्डर है वो और कितना एड ऑन होंगे, क्या अपडेट हुआ, मतलब रीनेगोशिएशन होगा. जो इस वक्त स्थिति है वो हमारे सबकी यही अंदर से तैयारी यही रहती है कि आप मार्केट को अंडर प्रॉमिस करो ओवर डिलीवर करो. तो ऑब्वियसली हम लोग काम कर रहे हैं कि खाली 100 मिलियन पे नहीं रुकना है, हमें आगे जाना है बिकॉज बाजार में डिमांड इस वक्त बहुत ज्यादा है और ये सीन अगले 2-3 साल भी ऐसे ही चलना है. तो ऑब्वियसली हम लोग पूरी कोशिश में रहेंगे पहले तो सही तरीके से हर महीने जितना भी हम कंसिस्टेंटली मटेरियल को निकाल सकते हैं उसको निकालेंगे और उसके बाद इसको रैंप अप करके इसको सरपास करने की भी पूरी कोशिश करेंगे. अच्छा ओके अग्रीड सर. एक चीज़ मैं जो समझना चाह रही थी सर, कैपेसिटीज़ जहाँ तक मैं ठीक समझ रही है हम हिमाचल के जो प्लांट है उसके अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, एक आइडिया इस साल के अंत होते तक कितने टोटल बैचेस हम लोग, आई नो प्रोजेक्शन थोड़ा ज़्यादा यहाँ से एक्सट्रापोलेट हो जाएगा लेकिन एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ स्ट्रक्चर्ड मैनर में किस तरीके से कितने बैचेस हो पाएंगे, एज ऑफ नाउ कितने वर्क इन प्रोग्रेस है और नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में कितने फिनिश्ड काइंड ऑफ जोन में देख पाएंगे हम लोग. तो हम लोग नहीं मतलब हम रेगुलर प्रोडक्शन में हैं तो इसका जो विस्तार में जो डिस्क्रिप्शन है कि हर महीने कितना निकलेगा और मार्च तक कितना निकलेगा हम लोग ये सेपरेट एक अनाउंसमेंट करेंगे. बट आप प्लीज ये लेकर चलिए कि हम लोग कंटिन्यूस प्रोडक्शन में हैं, इतना तो हम इस वक्त कह ही सकते हैं कि अभी करंटली जैसे हमने बोला 1.2 मिलियन हम बना चुके हैं रेगुलर प्रोडक्शन में, तो ये क्वांटिटी बढ़ती ही जाएंगी आने वाले समय में. स्पेसिफिकली कितना निकलेगा हर हफ्ते या हर महीने वी विल कम आउट विद एन अपडेट वेरी सून, आइदर एंड ऑफ दिस मंथ और अर्ली नेक्स्ट मंथ.